अस्सलाम वालेकुम। हम आज बनाएंगे कीमा के साथ भिंडी। भिंडी जो 1 किलो है और 4 प्याज, आधा किलो कीमा और 4 टमाटर, काले सब्ज मिर्च, धनिया सब्ज धनिया, नमक हसबी जायका और अदरक लहसुन पिसा हुआ, काली नमक, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च, हल्दी हमें जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये आप ऑयल डाल के पहले पहले हम इसमें कीमा को फ्राई कर लेती हैं अच्छे तरीके से। अलग सा कीमा को अलग सा ही फ्राई कर रही हूँ। अब वो हम यहाँ से अलग सा हमने इसको भून लेंगे। भिंडी प्याज टमाटर को अलग सा भून के फिर कीमा के साथ शामिल करेंगे। पहले अदरक और लहसुन को डाल रही है, थोड़ा सा इसको भून के फिर फौरन। हाँ कर रही है, करो कर रहा हूँ तो ये हमारा जो प्याज है ना नरम हो गई है, थोड़ा सा सुरख हो गई। अब हम इस पे डालेंगे टमाटर। अच्छे तरीके से इसको जो खत्म होना तक अच्छे तरीके से भून लेती हैं इसको। अभी हमारा प्याज लहसुन और टमाटर भुन गई है थोड़ा सा, और इसको अभी उतार कर जहाँ कीमा भुन रही है यहाँ डालेंगे। कीमा भी तकरीबन भून गई है, उसका ऑयल अलग से हो गई है। आप इसमें ये डालेंगे। अब ये हमने इसके साथ मिक्स कर रही है कीमा के साथ। अब हम इसको भिंडी को अलग से फिर फ्राई कर लेते हैं। अभी हम डालेंगे हल्दी, नमक, सुरख मिर्च और काली मिर्च। ये सब्ज मिर्च अभी हम ये डाल रही है थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल पे हम इसको अलग से फ्राई कर लेंगे। ये आप हमारा भिंडी जो है ना फ्राई हो गई है अच्छे तरीके से। अभी हम उसे कीमा में शामिल करेंगे। इसको अभी हम सारा कीमा में शामिल करके, ये भिंडी वैसे पक चुकी है, बस 1-2 मिनट इसके साथ आप शामिल करके थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। फिर ये हमारा जो भिंडी है ना तैयार है, कीमा वाला भिंडी। हमारा भिंडी तैयार हो गई है। आखिर में हमने वो इसको सब धनिया डाल रही है। सब धनिया डाल दिया और ये बिल्कुल तैयार है।